खत्म हो गई। दुर्गांत साहिबा, आपका बेटा शहीद हुआ है इस मुल्क के लिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हम आपके शौहर का ख्याल रखेंगे, हम वो सब करेंगे जिसकी जरूरत होगी। ये रियासत हर तरह से आपके साथ रहेगी, आप परेशान मत हो। अब आप हमारी जिम्मेदारी, इन सब का ख्याल रखा जाए। जैसा आप कहें सर। तो मेरे पास मेरे बाबा नहीं, आज के बाद से मैं तुम्हारा बाबा हूं, समझ गए? अब इजाजत दीजिएगा सर। अपनी बेटी से क्या कहूंगा मैं, उसे कैसे बताऊंगा ये सब? कहना उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गई। वो ये कैसे समझेगी, अभी तो 7 साल की है। वक्त आने पर समझ जाएगी, वो समझ जाएगी कि उसकी मां की कुर्बानी इस वतन के लिए कितनी अनमोल है। शदीद अफसोस है, मैं वाकई बहुत दुखी हूं, क्योंकि जहरा मेरी इंतहाई करीबी साथी थी। बहुत अफसोस है मुझे। ये वालिद का बहुत ख्याल रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जरूरत पड़े तो दूसरे हॉस्पिटल भिजवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। समझ गए? जी समझ गया सर। उस हमले की मजीद इत्तला आई कोई? हमारे पास एयरपोर्ट के इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन्हें देखने में कई घंटे बल्कि दिन भी लग सकते हैं। एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। जैरिन की कोई खबर? 24 घंटे उसकी निगरानी जारी है, हमने उसके लिए 6 टीमें मुख्तस की है। हर पल की खबर मिलनी चाहिए मुझे। जी ठीक है सर। इन सबको देखने में हफ्ते लग जाएंगे। हम क्या तलाश कर रहे हैं? ये है वो आदमी, इसने निकलने से पहले अपना रूप बदल लिया होगा। हम अभी ये भी नहीं जानते कि वो निकला भी है या नहीं।